भाई यार लड़ाके का छटा दिन है और आज के तले पहुँचे हैं और आते में ऐसी है जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये मेरी माता रानी है और मैं इसकी भक्त हूँ और आपको आज मेरा छठा नवरात्रि के दिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई है जो कि जो हमारी माँ अभी एक साल नहीं हुआ है और आज मैंने मेरी माँ कुछ कपड़े मेरे घर छोड़ गई थी। ये मेरी माँ की साड़ी है, आपको हर दिख रही होगी, ये हरी साड़ी है और ये उसी का ब्लाउज है, ये मेरी माँ की स्वेटर है और उसी की याद में मैंने आज अपनी माँ के सारे नीचे ऊपर तक वस्त्र अपनी माँ के नाम के पहने हैं और जो जो आज से 8-9 महीने पहले मेरी माँ इनको पहना करती थी और आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारी माँ हमारे बीच नहीं है। इसीलिए भगवान हे माता रानी नवरात्रियों की मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी मेरी माँ हो उसकी आत्मा को शांति मिले और जो हम बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं हमें भी उसको जितनी याद होगी उतना उस हो सकता है उसका दिल भी दुखे क्योंकि हमें बार बार माँ ऐसी चीज़ होती है, एक जनन जननी माँ होती है और एक जन्म देने वाली माँ होती है और जैसे कि ये सभी प्रकार की माँ है हमारे कर्ता धर्ता सब कुछ और लेकिन जिसने जन्म दिया है उस माँ को भी एक बार इन नवरात्रि में मैं दिल से याद कर रही हूँ। हेलो माता के भक्त लोगों, और कैसा रहा आपका छठा व्रत? माता रानी की कृपा से मस्त रहा होगा और सभी को छठा व्रत की शुभकामनाएं। और रहा भूख का टाइम, क्योंकि दिन में कीर्तन करे हमने अपने पड़ोसी में पड़ोस के घर और फिर अभी शाम को रामलीला चली है, रामलीला देखने अपने नीचे पड़ोस में चले जाते हैं और बहुत क्योंकि सुबह शाम नहाना धोना उससे गला भी बैठा सा हो रहा है क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है। और रहा आज मैंने भंडारा बनाया है, भंडारे में मैंने रोज की तरह दलिया बनाई है, सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है आज,
क्योंकि रोटी में वही चीनी और गुड़ मिला रखा है और फल चढ़ा रखे हैं। और ये मेरी कपूर की धूप है। और ये आपको पता ही है कि मैं रोज़ एक बार इस समय माँ का दर्शन कराती हूँ, क्योंकि इसी माँ के नाम से जोत जली है। और क्योंकि ये मेरी माता रानी है जो ऊपर है, इसी के नीचे उनके चरणों में हमारे लिए भी जगह है। और आप सभी को छठा नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं अपनी लाइफ अपनी ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और नए ब्लॉग में मैं रामलीला का आज राम वनवास होगा, मैं उसको